झारखंड में पत्थलगड़ी को लेकर नया न्याय विवाद सामने आ रहा है और अब इंद्रिस जी ने आरएसएस के ये सदस्य है और हिंदू जागरण मंच के मार्गदर्शक है, तो श्री इंद्रेश ने कह दिया है एक विवादित लाइन और कहा है कि पत्थलगड़ी में चर्च मिशन का हाथ है, इसमें ईसाई मिशनरी का हाथ है। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पत्थलगड़ी को लेकर जो विवाद चल रहा है पूरे झारखंड में, क्या इसमें ईसाई मिशनरियों का हाथ है और क्या इसमें चर्च की भूमिका संदिग्ध है, षड्यंत्र है? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी कमेंट हम सरकार तक भेजेंगे सीधा कि सरकार का रुख इस पर क्या है। सरकार ने भी कई बार अपने अलग अलग ओकेजन में कहा है कि सरकार के द्वारा सभी मिशनरी संस्थाओं पर जांच करवाई जा रही है। पत्थलगड़ी आखिर है क्या और पत्थलगड़ी को लेकर इतना विवाद क्यों उत्पन्न हो गया? लगातार सुर्खियों में रहने वाले पत्थलगड़ी को लेकर आज हम विशेष विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा इरादा किसी धर्म समुदाय को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाना नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की ओर से जो चीजें कही जा रही है उसका सटीक विश्लेषण क्या हो सकता है। पत्थलगड़ी क्या है इस पर भी आज बात करेंगे और ईसाई मिशनरियों का नाम इसमें क्यों आया इस पर भी बात करेंगे और क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा इस समीकरण को भी आज समझाएंगे आप। लेकिन इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट हमको नहीं कीजिएगा क्योंकि हम आपके अगेंस्ट में नहीं है, हम सारी चीजों पर खास विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए, तो इंद्रेश कुमार ने कह दिया, आरएसएस के सदस्य हैं, हिंदू जागरण मंच के मार्गदर्शक हैं और इसके पहले बीजेपी सरकार के कई आला नेताओं ने कह दिया कि षड्यंत्र जो है पत्थलगड़ी का आदिवासी समुदाय को भड़काने का काम ईसाई मिशनरी कर रही है। क्या ये सही है या फिर लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए किया जा रहा है? आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। पुरानी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार आदिवासी समुदाय में अलग अलग जनजातियों में यह परंपरा रही है कि अपने पूर्वजों के नाम से वो एक पत्थल गाड़ देते हैं, यानी कि अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए पत्थर गाड़ने की परंपरा रही है गांव के बाहरी इलाके। इसका उद्देश्य होता था कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे आंखों के सामने हैं और गांव में आने वाली किसी भी विपदा से वो निपटेंगे। लेकिन कालांतर में इसे लेकर परिभाषा बदला गया और जो पढ़े लिखे तबके से लोग थे इन लोगों ने योजना बनाई और योजना बना करके पत्थलगड़ी को एक नया रूप दे दिया। पत्थलगड़ी का मतलब हो गया एक राज परिवार का शासन और एक अलग प्रकार का शासन जो सरकार के विरोध में अपना आंदोलन करना चाहती है। यानी कि इसका भी तरीका इन्होंने बताया कि वो समाजवाद लाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया गया और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वे झांसे में आने लगे कि एक नया साम्राज्य होगा, नया मुद्रा व्यवस्था होगी, नई रोजगार की परंपराएं होगी और इसे लेकर वो सरकार भारत सरकार से सीधा बहस करे। फिर क्या था, चूंकि एजुकेशन पेनिट्रेशन गांव तक नहीं हुआ है और इसके बाद इसका लाभ लेते हुए कई लोगों ने जो बॉम्बे दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में पढ़ाई किए और वहां से लौटने के बाद पत्थलगड़ी को एक नया आयाम दे दिया और क्रांति का बिगुल फूंकवा दिया। आपने देखा होगा खास करके खूंटी के इलाके में ये चर्चा में उस समय आ गया जब कुछ लड़कियों को वहां पर अगवा कर लिया गया था। इसके पहले से ही सरकार ये आरोप लगाती रही है झारखंड में कि इसके पीछे ईसाई मिशनरियों का हाथ है और हाल के दिनों में ईसाइयों से जुड़ी हुई कई संस्था पर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए, नौबत सीबीआई जांच की भी आ गई है। आखिर क्यों ऐसा होता है, कहां पर ये पूरी चीजों की जो डोरी है, जो पॉइंट है वो कहां तक जा रही है? अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो झारखंड में जो मूल आदिवासी थे उसमें जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा तबका था वो खुद को धर्म परिवर्तन करके ईसाइयों की ओर चला गया और ईसाई समूह में जाने के बाद उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होने से उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिलने लगा, जैसा कि अधिकांश स्कूल जो बेहतर कंडीशन में है और अच्छा रिजल्ट देते हैं उसमें आमतौर पर
ईसाई मिशनरियों का ही कब्जा रहता है और उनकी मैनेजमेंट होती है। जाहिर सी चीज है कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची हैं रूट लेवल पर, और योजना नहीं पहुंचने के चलते अभी भी वहां पर विकास नहीं हुआ है। ऐसे में एजुकेशन और हेल्थ दोनों ईसाई मिशनरी ने सही तरीके से वर्क करना शुरू कर दिया, और आदिवासियों को जब लगने लगा कि उनका भविष्य इनके साथ है तो बहुत से आदिवासी उस धर्म को अपनाने लगे। सरकार को ऐसा लगता है कि ये सारे लोग परंपरागत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट डाल है और ग्रामीण क्षेत्र में जेएमएम का दबदबा है। यही कारण है कि प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर एक प्रकार से चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वह कुछ भी बयान देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का वोट का जनाधिकार उनका खिसक सकता है, और अगर वो अगेंस्ट में बोलते हैं तो हिंदू और दूसरे वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे। संभवतः नए चुनाव और अगले चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने एक सटीक चाल चली और इस चाल में जेएमएम को उलझा करके रख दिया। चाहे किसी भी जाति में आपस में मनमुटाव शुरू हो जाए, इसका राजनीतिक समीकरण बन जाता है, और राजनीतिक समीकरण इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे, इस वर्ष के भी चुनाव को देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव में अगर आप बीजेपी का प्रतिशत देखेंगे तो अर्बन एरिया में ज्यादा रहा है और रूरल एरिया में जेएमएम की प्रतिशत ज्यादा रही है। लेकिन पत्थलगड़ी का मामला जितना विवादित हो गया उतना ज्यादा फायदा ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ चुनाव में जरूर लेना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर रूरल एरिया में पेनिट्रेशन हो रहा है, और यही कारण है कि आरएसएस के सभी समीक्षक और सदस्य इस बात को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं कि जितना भी पत्थलगड़ी मिशन चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं चर्च और मिशन का हाथ है, यानी कि ईसाई मिशनरियों का हाथ है। ये बयान जैसे आता है यानी कि विवादित हो जाता है, लोग क्रिया और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। अगर 1872 से देखा जाए, 1872 से देखा जाए तो खुटपानी प्रखंड से जो चाईबासा और चक्रधरपुर के बीच है वहां से ईसाइयों की एक टोली आई थी और उन्होंने अपना जो काम था सामाजिक सेवा का वो उन्होंने खुटपानी से शुरू किया था, और बढ़ते बढ़ते आज झारखंड का लगभग 8% जो आबादी है वो ईसाई है। सरकार को ऐसा लगता है कि ये ईसाई मूल रूप से यहाँ के प्राचीन जनजातियों का एक हिस्सा था, और ये प्राचीन जनजाति वो थे जो झारखंड के मूलवासी थे, और इनकी जमीन और जायदाद होने के बाद भी ये कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्म में, और इसके कारण सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि आदिवासियों के हाथ से जो जमीन थी वो जमीन धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के ईसाई मिशनरियों के पास जाने लगे, और यही कारण है कि गाँव गाँव में ईसाई मिशनरियों के पास बड़ी संख्या में जमीन है। अब सरकार नए नए कानून प्रतिदिन बना रही है, मतलब कोई एसटी लड़की किसी गैर आदिवासी से शादी करेगी तो उसके नाम से जमीन नहीं लिया जा सकता है। धर्मांतरण विधेयक आ गया, यानी कि जो लोग आदिवासी से कोई भी दूसरे धर्म में चले गए हैं वे सारे लोगों को जमीन की सुविधा नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, और वो संस्कृति भी अपना भूल गए हैं, ये सरकार मान चुकी है। ये सारे विवादों को अगर जोड़ दीजिएगा तो इसका सीधा रिजल्ट 2019 का लोकसभा चुनाव में और उसके बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखेगा। इसलिए हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या पत्थलगड़ी में आपको लगता है ऐसा कि वास्तव में ईसाई मिशनरियों का और चर्च का षड्यंत्र है? यदि लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लगता है कि नहीं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए। आपकी बात को सरकार सुनेगी, जितना अधिक संख्या में आप कमेंट करेंगे हम उस पर सटीक मंत्री यानी कि जो इससे संबंधित सरकार के आला अधिकारी होंगे और मंत्री होंगे हमारे कार्यक्रम में आएंगे और आपके सवाल का ऑनलाइन जवाब देंगे। तो आप देर मत कीजिए, आपका सवाल हम आपके पास फिर से आपको दे रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि झारखंड में पत्थलगड़ी विवाद जो इतना बड़ा हुआ है, ये पत्थलगड़ी करवाने में जो सरकार की ओर से बोला जा रहा है और आरएसएस के जो सदस्य है इंद्रेश उनकी ओर से बोला जा रहा है कि इसमें ईसाई मिशनरियों का हाथ है, चर्च का षड्यंत्र है, क्या आपको ऐसा लगता है? तो आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। आपका कमेंट जैसे ही आएगा हम संबंधित मंत्री से इस पर बात करके आपकी
बात का उत्तर जरूर देना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे पत्थर घड़ी का, अगर इसको आप ऐतिहासिक चीजों से जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं ये काफी हजारों साल पहले से झारखंड की जमीन पर रहे हैं और इनकी प्राचीन संस्कृति और सत्ता रही है। अगर आप मौर्य काल को भी देखें, गुप्त काल को भी देखें इतिहास में, तो उस समय भी परंपरा होती थी और शहर का किलाबंदी होता था, यानी कि जो शहर मौर्यों की होती थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शहर को देख लीजिए, सम्राट अशोक का देख लीजिए, पटना को देख लें, तो किलाबंदी करवाई जाती थी। इसे ही आप छोटे रूप में समझेंगे तो सामाजिक सरोकार के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, पूर्वजों को याद करने के लिए गांव में बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, और जिसका अर्थ होता था कि हमारे पूर्वज और संस्कृति को मिलाकर के अभी तक चल रहे। लेकिन कालांतर में सोच बदला, तरीका बदला और इसे एक नया रूप देने की कोशिश की गई, जो संविधान का उल्लंघन था। संविधान का उल्लंघन इसलिए कि भारत में अगर आप भारत सरकार के अगेंस्ट में कोई भी परंपरा की शुरुआत कर देते हैं, भारत में रहते हुए अगर आप भारत सरकार के विरोध में कोई भी काम करते हैं तो इसे देशद्रोह समझा जाएगा। अगर आप भारत की तुलना चीन से करें, मलेशिया से करें, सऊदी अरब से करें, तो आपको पता चलेगा कि उन देशों में बहुत ही कठोर कानून है, और उन देशों में अगर आप भारत के अगेंस्ट में कोई भी काम करते हैं तो मौत की सजा मिल जाती है। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि भारत के अगेंस्ट में काम करने वाले, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर बहुत से राजनीतिक दल जो दिल्ली के एसी कमरे में बैठकर भारत की बुराई करते हुए नहीं करते हैं, और मीडिया कवरेज भी ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मिल जाता है। लेकिन आप कोई भी काम करें तो संवैधानिक दायरे में करें। अगर आपको लगता है कि सरकार की ओर से कोई विकास कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए संबंधित विभाग को चिट्ठी लिख सकते हैं, या फिर आप सरकार के आला अधिकारियों के विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं। संवैधानिक तरीका जापान, चीन, सिंगापुर और नीदरलैंड सहित कई विकसित राष्ट्र में अपनाया जा रहा है। भारत में भी जनता से उम्मीद की जाती है कि जहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपनाया गया है, वहां के लोग भारत के संविधान का रक्षा करेंगे और अपने कर्तव्य को समझते हुए संविधान के दिए गए आदर्श को अपने जीवन में उतारेंगे। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का सवाल था कि क्या पत्थर घड़ी को लेकर के आरएसएस के सदस्य इंद्रेश कुमार ने जो कुछ भी कहा है कि इसमें इस मिशनरीज का हाथ है और चर्च का षड्यंत्र है, आपको क्या लगता है, आपको अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। कई व्यूअर ने हमारे साइट पर आकर के अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा है और कहा है कि उससे संबंधित तथ्य उन्हें भेजा जाए। हम इन लोगों का स्वागत करते हैं और उनके व्हाट्सएप नंबर पर बहुत जल्दी संबंधित विषय से जो भी तहकीकात रिपोर्ट हमारे पास है और जो भारत सरकार और झारखंड सरकार की रिपोर्ट है, उनके मोबाइल नंबर पर जल्द ही भेज देंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी बात अब सरकार सीधा सुनेगी हमारे साथ। नमस्कार।